नमस्कार साथियों, आज हम 241 में सिफर ग्यूसन जो डायना टैंक ने लॉन्च किया, आज हम इसका डिटेल से आज स्टार्ट करते हैं। चलो जो हम देखते हैं फ्रंट हिस्से की बात करते हैं, जो एक्सटेंडेबल एक्सल दे रखे हमें सिफर ग्यूसन ने, जैसे हम किसान खेती के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ से देखें, यहाँ देखेंगे तो इसकी लंबाई है 1955 mm। अगर हम इसमें व्यवसाय में या खेती के अलावा ढुलाई में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2055 यानी 100 mm की एडजस्टेबल व्हील बैलेंस है यहाँ पर आ जाएगा ये। अब हम उसके बाद बात करते हैं इसकी टंकी की, फ्यूल टंकी की। फ्यूल टंकी पहले छोटी आती थी, अब कर दी 55 लीटर की। इसका बेनिफिट ये है किसान भाइयों को बार बार फ्यूल नहीं भरवाना पड़ेगा, एक बार फ्यूल भरवाने के बाद पूरे दिन टंकी चल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी बैटरी की। बैटरी पहले अंदर आती थी 241 में, अब बाहर निकाल दी है। इसका बेनिफिट ये है अपना अच्छे से काम कर सकती है ये। अब हम इंजन की दूसरी तरफ आते हैं तो हम देखते हैं इसका इंजन S325F2 जो नया मॉडल है 42 HP का, ज़बरदस्त इंजन है इसका। 42 HP टॉप का इंजन है। इसके बाद हम बात करते हैं रेडिएटर की जाली की, जो है ये जाली देखो हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं खोल के। इसमें आप अगर रिपर में या किसी टाइप में चलाओगे तो इसमें रेता या रेडिएटर में नहीं जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डीजल फिल्टर की। ये डीजल फिल्टर देखो पहले डबल आता था, अब सिंगल करके लगा दिया है। क्या लाइफ ज़्यादा है, 500 घंटे पे सर्विस करवानी पड़ती है, पहले 300 घंटे पे सर्विस करवानी पड़ती थी, इसकी लाइफ ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लच की, जो डबल डायफ्रेम क्लच होती है जिसमें चलाने में आसानी और दबाने में भी आसानी, जो काम करे बहुत अच्छे तरीके से। देखो आप देख सकते हो। चलो हम बात करते हैं इसकी ABC गियर बक्से की, जो 24 स्पीड के साथ मिलता है, 12 बैक की 12 फ्रंट की, जिसमें हम सुपर सेटर बोलते हैं। इस 42 HP के ट्रैक्टर में हमारे डायनाटेक में जो है सुपर सेटल है। सुपर सेटल का मतलब है 12 स्पीड आगे की 12 स्पीड पीछे की। इसका बेनिफिट ये है आप जिस स्पीड में आगे जा रहे हो उस स्पीड में किसान भाइयों को बैक गियर में आने की सुविधा मिल जाती है, जिसका बेनिफिट आप अच्छे तरीके से तेल की खपत करके यूज कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्लेटफार्म की। वो ट्रैक्टर के मुकाबले हमारा ट्रैक्टर में प्लेटफार्म इतना खुला है, बहुत अच्छे से आप इसमें बैठ के आराम से रिलैक्सेबल बैठ सकते हो, रह सकते हो। अब बात करते हैं ट्रैक्टर डायनाटेक की, जो सबसे बड़ा ऑलराउंडर बनाती है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस, इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 420 mm, जो और ट्रैक्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। आप देख भी सकते हो कितना ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस है, इसलिए ट्रैक्टर को सबसे बड़ा ऑलराउंडर कहा जाता है। तो भाई हम इसके पिछले हिस्से में आगे बात करते हैं, तो देखो पिछले हिस्से में मैक्स OBI दे रखे हमारी मिस्त्री डायनाटेक में। इसका बेनिफिट ये है तीन प्लेट इस साइड, जिससे हम कंट्रोल ट्रैक्टर का कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट हम बहुत अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी क्वाट्रा PTO की। मिस्त्री डायनाटेक में क्वाट्रा PTO 4 टाइप की दे रखी है, जैसे हम बात करेंगे RPTO, लाइव PTO, मल्टी स्पीड PTO, ग्राउंड PTO। आप 365 दिन PTO को यूज करके आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसमें आपका तेल की खपत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। जो हम बात करते हैं इसकी लिफ्ट डायना लिफ्ट, इसमें मेसी डायनाटेक में डायना लिफ्ट जो सबसे ऊंचाई पे है, इसकी ऊंचाई कम से कम 950 mm तक हो सकती है। तो हम बात करते हैं इसकी प्लेंट्री अल्ट्रा प्लेंट्री ड्राइव गियर है इसमें, जो एक्सल पर 66% कम बार जाने देती है, जो अपने अंदर ही ऑटोमेटिक काम करती रहती है, जो मेन गियर बक्से है उस पर भी दाब नहीं देती। इसका बेनिफिट से हम बारी से बारी सामान उठा के चल सकता है, ट्रैक्टर जो एक्सल पे दाब नहीं आएगा अपने आप ये हैंडल कर लेगा। तो हम बात करते हैं मिस्त्री 241 के पिछले हिस्से में 13 के टायर हैं, जिसमें 13 से 28 के टायर आते हैं। इसमें रिम के अंदर वेट कंपनी फिटेड 35 किलो के वेट लगा के दे रखे हैं, आप देख सकते हैं 35 किलो के वेट, जिसमें 13 के टायर हैं ये मिस्त्री 241। तो हम आपको इस ट्रैक्टर को स्लिप मार के दिखाते हैं, इसके इंजन की जो खासियत है, बेनिफिट आप किस तरह उठा सकते हो और क्या बेनिफिट है, देखो आप। तो आप सुन सकते हो इस ट्रैक्टर की आवाज़ और कितनी अच्छे से साइलेंट आवाज़ में चल रहा है, इसका सैमसंग इंजन का बहुत अच्छा बेनिफिट है, आप सुन सकते हो।